और ये चढ़ गए। ओह माय गॉड, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब धीरे धीरे रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे भाई, तो ड्रेस अप चेंज हो गया अपना, नए शूज जबरदस्ती पहने हैं, इनका कुछ पहनने का सेंस था नहीं यार, बट लेके आया था तो मैं क्या पहन ही लेते हैं। तो अभी चलते हैं, अलग सी चीज़ है किसी शायद किसी ने देखी भी नहीं होगी, उसको कवर करते हैं पहले, उसके बाद निकलेंगे फिर यहाँ से सीधा मुंबई, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इतने सारे शूज़ लेके आया था मैं, 1 2 3 4, ये तो चिक्की रखी है अपनी, चिक्की, ओ सॉरी चिक्की लेके नहीं आया मैं, फर्ज चिक्की तो वही अपना गुड़ वाला आइटम, गुड़ में जो है मूंगफली डाल रखी है उसको चिक्की कहते हैं लोग, तो ये फर्ज है, ये थोड़ा डिफरेंट लगा, और ये कैंडी, तो ये हमारे उधर नहीं मिलती है, इसको पैक कर देते हैं, रख देते हैं, चलते हैं। इसके पासवर्ड का पंगा किसी के साथ पड़ता है, मैं तो पहले ट्राई मारा है कि लगता भी है नहीं लगता है, तो 00 अपना पासवर्ड हो गया एसेट, इसको एटलीस्ट लॉक कर ही देता हूँ। एक गया, अभी इसके जाते वो निकलेगा, चला गया, शुक्र है दोनों लग गए हैं। अब इसको आगे पीछे, अब बैटरी से लॉक हो गया, तो थोड़ी सी टेंशन कम है क्योंकि सर मारेगा तो इतना टाइम होता नहीं वहाँ किसी के पास। चलो भाई खड़ा कर देते हैं इसको, एक बैग अपना ये हो गया, हमेशा साथ रहता है कह रहे तो। A few moments later. भाई साहब तो सारा ट्रॉली से भारी लग रही है, वर्ल्ड वॉर टू भाई, ये वो चीज़ जो दिखाने आए थे हम आज, ये वर्ल्ड वॉर टू का है ना भाई, वन टन बोलते हैं इसको पंजाब में, जोंगा। तो अभी बाकी अरनी भाई समझाएंगे सारा इसके बारे में, टायर का साइज देखो, पकड़ना एक बार सीधा, तुम्हारे पास भी ये देखो भाई क्या ह्यूज साइज है इसका, तो भाई कहें कहें के स्विच है पता नहीं भाई, इतना पुराना होने के बाद भी जंग 4x4 ठीक चल रहा है, 4x4 ये पीछे की सीट, निसान वन टन एंड हाई राजवीर हो रही तो ये राजवीर भाई हैं और इनका है 94 मिलिट्री का वेपन कैरियर है, वेपन कैरियर, ओके सो दिस इज अ प्रॉपर वेपन कैरियर जिसपे पूरे वेपन्स लेके जाते थे, इसलिए इसका नाम वन टन है। अच्छा, इसलिए जो नाम है वो निसान 4W73 है, 4W73 इज अ टेक्निकल नेम और वैसे वन टन बोलते हैं इसको, तो दिस द कैरिंग कैपेसिटी इज वन टन आई बिलीव, ओके एंड ये वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुआ है राइट, सेकेंड में वर्ल्ड वॉर टू में। अच्छा, तो दिस इज सच अमेजिंग व्हीकल एंड आपके पास कब से है ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स समथिंग, और ये कंप्लीट रेस्टोर भी किया आपने, तो रेस्टोरेशन में तो बहुत टाइम लगा होगा इसको, यस काफी टाइम लगा और काफी मेहनत लगी है, काफी मेहनत भी लगी होगी क्योंकि ऑफिस सामान तो मिलता ही नहीं होगा इसका, नहीं। तो अभी भी कुछ खराब हो जाता है तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है या इंडिया में ही हो जाता है, सब जो पुराने मिलिट्री के व्हीकल्स हैं, हां हां हां, मिलिट्री कैंप से या मिलिट्री के उससे, अच्छा वहां से आपको रेस्टोर करने पड़ते होंगे या प्रोक्योर करने पड़ते होंगे, तो फिर इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। ओह माय गॉड, तो इसका फ्रंट देखो, फ्रंट में ऑल्दो ये वाली लाइट्स तो खैर लेटेस्ट वाली हैं, एलईडी लगी हुई है, बट दीज आर ऑल ओरिजिनल लाइट्स एंड यहाँ पे वेंच भी है, वेंच में ऑल्दो वायर नहीं लगी हुई बट दिस वेंच इज वर्किंग, भाई ने मुझे बताया था, तो यार सुपर सुपर। ये रहे रूपल भाई, और रूपल भाई काफी जंबो से हैं, मतलब गाड़ी के साइज के अभी देखते हैं कैसा लगता है, अभी ये गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं
और ये चढ़ गए। ओह माय गॉड, पूरी गाड़ी तो ये चढ़ गई। सक्सेस कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये तो आज आपने अचीव कर लिया कुछ। थोड़ा पास से दिखा दो मुझे भाई, दूर से दिखा रहे ज्यादा सही लग रहा है। पूरी गाड़ी दिख रही है। नहीं, मैं वीडियो में अच्छा है। वीडियो में अच्छा आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। इतनी जोर की दरवाजा नहीं मारने का है। अरे तो मजबूत है, लोहे का ऐसा क्या बिगड़ रहा है? हां नहीं नहीं, आपके साइज के हिसाब से बिगड़ सकता है। एक चीज आपने छोड़ दी भैया, 1.5 टन के हुआ ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खुद वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम से इसमें वो चल रहा है, वर्ल्ड वॉर। अच्छा यूएसबी तब से चल रहा है ना, तब की है ना भाई। जो है नहीं इसमें बस बंद कर दो अभी, बिल्कुल फ्री है। तो भाई ये वर्ल्ड वॉर टू में एज अ वेपन कैरियर यूज़ किया जाता था और इसकी कैपेसिटी है 1 टन, इसलिए इसका नाम दिया गया 1 टन। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी। काफ़ी बटन वगैरह दिए गए, बाकी इसमें नो पावर स्टेयरिंग है और हैंड ब्रेक भी नहीं है इसके अंदर, गियर पे खड़ा हुआ है, 4 गियर है इसके अंदर। बाकी तो ये सब देख लो, पीछे की सीट और बस यही सब है इसका छोटा सा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, अपना काम डन हो गया यहाँ से। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो देख के बाय।